अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पीएसवाई 631 के लेसन नंबर 16 वैलिडिटी को डिस्कस करेंगे। पिछले लेसन में हमने रिलायबिलिटी को पढ़ा था, आज के इस लेसन में हम वैलिडिटी को देखेंगे। जिस मकसद के लिए टेस्ट को बनाया जाता है वो अपना मकसद पूरा कर रहा हो तो हम इस खसूसियत को वैलिडिटी कहते हैं। यानी कि जिस काम के लिए हमने टेस्ट बनाया है, आया क्या वो काम कर रहा है? जिस जिस चीज़ को हमने मैयर करना चाहते हैं टेस्ट के ज़रिए, क्या वो तमाम चीज़ों को मैयर कर रहा है? अगर वो वैसा कर रहा है तो हम इस चीज़ को कहेंगे कि वो टेस्ट जो है वो वैलिड है। ये सारी डेफिनेशन हमने मैंने आपको बता दी, इसकी बाकी एग्जांपल्स के ज़रिए इसको एक्सप्लेन किया गया है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। साइकोलॉजिकल टेस्ट आर डेवलप्ड प्राइमरी टू रीजंस, दो रीजंस की बेसिस पर साइकोलॉजिकल टेस्ट को डेवलप किया जाता है, अचीवमेंट टेस्टिंग के लिए और प्रेडिक्टिव टेस्टिंग के लिए। अचीवमेंट टेस्ट के अंदर क्या रहा है कि बंदों की अचीवमेंट जज करना, उनके उनके जो है एबिलिटी को जज करना। जब आमतौर पर किसी इदारे के अंदर जो है हम देखना चाहते हैं बंदों को सिलेक्ट करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूटमेंट होती है बंदों की, तो उस वक्त ये टेस्ट किया जाता है कि उनके अचीवमेंट को देखा जाता है कि वो किस काबिल है बंदे। और प्रिडिक्टिव टेस्ट के अंदर फ्यूचर प्रिडिक्शन की जाती है उसकी परफॉर्मेंस की, कि आने वाले वक्त में बंदे की परफॉर्मेंस क्या रहेगी। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी को देखते हैं। पहला है कंटेंट वैलिडिटी एविडेंस। टेस्ट की वैलिडिटी को देखने के लिए ज़रूरी है कि क्या वो इस कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको एनालाइज करने के लिए वो बनाया गया है। नंबर टू, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एविडेंस, यानी जिस कंस्ट्रक्ट को मैयर करने के लिए हम टेस्ट बनाते हैं इसको कंस्ट्रक्ट कहते हैं, ट्रेट को, खूबी को, एबिलिटी को। जिस कंस्ट्रक्ट को मैयर करने के लिए हम टेस्ट बनाते हैं इसको दूसरे टेस्ट को इसी तरह के कंस्ट्रक्ट को मैयर करते हैं और इनके हवाले से हम देखते हैं। मतलब कि इसके अंदर सिंपली ये कह रहा है कि एक कंस्ट्रक्ट को मेयर करने के लिए हमने जिस कंस्ट्रक्ट को बनाया है तो इसको हम दूसरे टेस्ट के साथ कंपेयर करके देखते हैं जो कि इसी तरह के कंस्ट्रक्ट को मेयर करते हैं जो कि हमने अपने टेस्ट के अंदर शामिल किया होता है। नंबर थ्री, क्राइटेरियन वैलिडिटी एविडेंस। हम अपने टेस्ट की वैलिडिटी को देखने के लिए किसी दूसरे स्टैंडर्ड टेस्ट के साथ इसको मुवाजना करते हैं। अगर हमारे और दूसरे टेस्ट में अच्छा रिलेशन पाया जाए तो हमारा टेस्ट वैलिड होता है। कॉन्टेंट डिस्क्रिप्शन प्रोसीजर्स, नेचर, इसमें कह रहा है कि यानी टेस्ट के कंटेंट को देखना कि वो टेस्ट से रिलेटेड है या नहीं। सबसे पहले तो ये जो टेस्ट बनाया गया है इसे कंटेंट को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है और इसे चेक करने के लिए टेस्ट को ट्राई आउट करते हैं। टेस्ट बनाने के लिए दौरान ही कंटेंट जो है वो उसके रिलेटेड लिया जाता है। अगर किसी टेस्ट का कंटेंट ही वैलिड नहीं तो वो टेस्ट भी वैलिड नहीं हो सकता। स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स के अंदर कह रहा है कि अप्रोप्रिएट सिलेक्शन, वर्डिंग एंड ऑर्डर ऑफ द आइटम्स। सिलेक्शन अप्रोप्रिएट हो, वर्डिंग और उनकी जो ऑर्डर्स हैं आइटम्स की, वो वर्डिंग ठीक हो, उसकी आइटम्स की ऑर्डर में हो, तरतीब में हो। इस काम के लिए हम एक्सपर्ट से रابطہ कर सकते हैं, खुद से रिसर्च कर सकते हैं, दूसरे टेस्ट से नॉलेज हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी यहाँ पे एक और चीज़, अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ बता रहा है कि यहाँ पे टेस्ट स्पेसिफिकेशन का वो कह रहा है कि मतलब ये है कि किसी टॉपिक को हम किस तरह से किस लेवल पे टेस्ट किया जाए, यानी कितने आइटम्स इस चीज़ को टेस्ट कर रहे होंगे, इनको किस किस जगह में हम टेस्ट कर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम स्पेसिफिकेशन के सामने होने के बाद टेस्ट के आइटम्स को तरतीब देना चाहते हैं। हमें मतलब ये कि स्पेसिफिकेशंस पहले हम सामने रखेंगे, उसके बाद हम टेस्ट को तरतीब देंगे, उसके बाद ही हम अच्छे तरीके से टेस्ट को आइटम्स को अरेंज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं? अचीवमेंट टेस्ट, ऑक्यूपेशनल टेस्ट, एजुकेशनल टेस्ट, इनमें कंटेंट वैलिडिटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कह रहे कि एप्टीट्यूड टेस्ट है या पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसमें ये चीज़ें अहम नहीं हैं। कंटेंट वैलिडिटी वर्सेज फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए सरसरी से जायज़ा किया जाता है एक टेस्ट की वैलिडिटी का। मसलन वैसे ही हम किसी अपने जानने वाले को या किसी एक्सपर्ट को क्वेश्चनियर वगैरह दिखा कर कहते हैं कि आपके ख्याल में ये स्केल इस प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए काफ़ी है जिसको मैं बना रहा हूँ। वो इसको एक नज़र देखते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं और कहते हैं हाँ ठीक लग रहा है, हम इसको फेस वैलिडिटी कहते हैं। फेस वैलिडिटी में हम देखते हैं कि ज़ाहरी तौर पर टेस्ट वैलिड है या नहीं, जबकि कंटेंट वैलिडिटी में हम टेक्निकली इसको मेयर करते हैं।
क्राइटेरियन प्रिडिक्शन प्रोसीजर, क्राइटेरियन वैलिडिटी एविडेंस। इससे हम अपने टेस्ट की वैलिडिटी को एक क्राइटेरिया के हवाले से जांचते हैं, यानी पहले से मौजूद स्टैंडर्ड्स को साथ के साथ टेस्ट को हम कंपेयर करते हैं। लेसन व्यूज आगे हो गया आपका कंप्लीट। थोड़ी जल्दी में मैं लेसन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और मिड जो है आने वाले हैं, तो जो बीच में ह्यूमन एरर फैक्टर शामिल हो जाते हैं ना, तो जो गलतियाँ मेरे से होती हैं उसको इग्नोर कर दीजिए। जस्ट अगर मेरा एक एम पूरा हो रहा है ना कि आप लोगों को तक बात क्लियर हो रही है, मेरी समझ आ रही है, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। बाकी जो गलतियाँ, तो जाहिर बात है अब जल्दी में अगर मैं करूँगा तो मिस्टेक होगी, जो वर्ड जो है बार बार गलत अदा होंगे, लफ्ज़ आगे पीछे हो जाएंगे, ये चीज़ें छोटी मोटी साथ साथ चलती रहती हैं, इनको आप लोग इग्नोर कर दीजिए प्लीज़। और इसके अलावा फिर भी कह रहा हूँ कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि अगर कंसेप्ट के अंदर किसी किस्म का आपको मसला आता है ना, तो आप लोग जो हैं वो मुझे कमेंट ज़रूर करें कि कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता ना, फिर मुझे बताएं। क्योंकि अब तक मुझे कंसेप्ट की शिकायत किसी ने नहीं दी, किसी स्टूडेंट ने नहीं कहा कि सर आपको जो कंसेप्ट जो है आपका क्लियर नहीं है, कि आप हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे, किसी बंदे ने मुझे अभी तक ये नहीं कहा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि बाकी जो भी गलतियाँ होती रहें कोई इतना मैटर नहीं करता, लेकिन कंसेप्ट जो है अगले बंदे तक बिल्कुल क्लियर जाना चाहिए। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।